सिद्धेश परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। वाइटर्स, आज आप सबके डिमांड पे एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आप सब लोगों की भारी डिमांड थी कि सर ये प्रोडक्ट लाइए। हम जिस भी घर जाते हैं सब पूछते कि आपकी कंपनी में ये प्रोडक्ट है। दोस्तों, वो प्रोडक्ट जो आज मैं आपको लेके आया हूं उसका नाम है इको आरोग्यम प्रोटीन डो। दोस्तों, आज हमारी बॉडी न्यूट्रिशन पे चलती है और न्यूट्रिशन में सबसे जो मेन न्यूट्रिशन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। आज का जो हमारा खाना पीना है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फैट भी मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन जितना बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाता दोस्तों। क्योंकि प्रोटीन के नेचुरल सोर्सेस क्या है? दालें हैं, चने हैं और भी चीजें हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन दूध में भी मिल जाता है। लेकिन अगर मेजर जितना प्रोटीन चाहिए मेरी बॉडी को उतना प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता। मान लो प्रोटीन वेट के अनुसार उतने ग्राम चाहिए। मान लो मेरा वेट 95 kg है तो 95 ग्राम, 60 kg है तो 60 ग्राम। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं आज वो प्रोटीन सप्लीमेंट खाते ही खाते हैं, क्योंकि उन्हें बोलता है प्रोटीन बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि जो हमारे टिश्यूज होते हैं ऑर्गन के, उनकी रिपेयरिंग, उनकी हेल्दीनेस हमारे प्रोटीन पे ही डिपेंड रहती है। क्योंकि अगर हमारे टिश्यू हेल्दी है तो हमारी सेल हेल्दी है और हमारा ऑर्गन हेल्दी है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने ऑर्गन हेल्दी रखने हैं तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही लेना है। दोस्तों, शोधकर्ताओं की स्टडीज के अनुसार प्रोटीन की अपर्याप्त मात्रा बहुत सी बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे कि मेंटल डिसबैलेंस, ऑर्गन फेलियर, श्रिंकेज ऑफ मसल टिश्यूज, वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम। ये सारी बीमारियां प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में होती है। और आप देखिए, नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है जैसे एग्स है, नट्स है, लीन मीट है, फिश है, डेयरी प्रोडक्ट है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स है। तो आप भी समझ सकते हैं कि ये कितना हम लोग खाते हैं। किसी घर में तो दाल दो दो दिन बाद बनती है, चने नहीं बनते किसी घर में, सब्जी पूरे हफ्ते बनती है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहती है और आज तकरीबन लोग इससे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों, एसलिपियस वेलनेस आज आपके लिए लेके आई है इको आरोग्यम प्रोटीन डो। ये कैरामल फ्लेवर में है। इसके फ्लेवर को आप यूज करेंगे, आप दूध में भी ले सकते हैं, आप पानी में ले सकते हैं। 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, जितना आपको चाहिए। आपको लगता है कि मुझे इतना प्रोटीन डेली लेना है, इतना प्रोटीन मेरी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो आप डेली ले सकते हैं। अब मैं आपके सामने, और ये इसमें जो प्रोटीन है वो 8 प्रकार के प्रोटीन है, एक ही प्रकार का प्रोटीन नहीं है। WPI, WPC, सोया प्रोटीन, आइसोलेट बादाम प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, मूंग बीन प्रोटीन, स्किम मिल्क पाउडर एंड माल्ट प्रोटीन। मैं कह सकता हूँ वही बात कि दुनिया का नंबर वन प्रोटीन आज आपके सामने फिटनेस वेलनेस लेके आई है। मैं चाहता हूँ, मैंने अपने फाइटरों के सामने दूध है ये, फिर दूध में मैंने प्रोटीन डाला और अब मैं इसे घुमाता हूँ तो पीता हूँ, मैं भी चेक करता हूँ कैसा फ्लेवर है। वैसे तो हर प्रोडक्ट हम लोग पूरी मेहनत करके, चेक करके, लोगों को देख के, लोगों के रिव्यू लेके, R&D करके ही बनाते हैं। और आप समझते हो कि एक एक प्रोडक्ट की R&D में करोड़ों रुपए लगते हैं। प्रोटीन हम 10 प्रोडक्ट R&D में डालते हैं तो 2 से 3 प्रोडक्ट फाइनल होते हैं। तो चलो मैं से पी के देखता हूं। वाओ, मेरे कहने से एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए। एक बार आप सब लोग ये प्रोटीन जरूर खरीदना और जरूर इस्तेमाल करना। मैं गारंटी देता हूं घर घर ये आपका प्रोटीन डो चला जाएगा, क्योंकि ऐसा फ्लेवर, ऐसा प्रोटीन, 8 प्रकार का प्रोटीन मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होता। मार्केट में कैसे प्रोटीन है वो आप सबको पता है। तो दोस्तों, प्रोटीन डो आ चुका है, आप इसकी डिमांड आपके फ्रेंचाइजी होल्डर से और आप इसे मंगा सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। मेरे ख्याल ये पूरे इंडिया में अवेलेबल हो चुका है और इसकी सेल 1 या 2 दिन में खुल जाएगी। और आप सब लोग प्रोटीन डोज पीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।